नमस्कार, पेप्टिक है मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में मझगुआ तहसील विकास खंड के अंतर्गत आने वाली पेयजल की समस्या को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है, जिसमें 4 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं और जल्द से जल्द निराकरण किए जाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी जिला संगठन सचिव राजा राम यादव के नेतृत्व में अनुविभाग अधिकारी विकास खंड मझगुआ अंतर्गत व्याप्त जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरों में पानी की समस्या का निराकरण किए जाने, सामुदायिक केंद्र सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टर सहित समस्त स्टाफ की नियमित रूप से सेवाएं दिए जाने, हल्का पटवारियों को ग्राम पंचायत स्तर में सोमवार और गुरुवार को उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण किए जाने और सभी गेहूं खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की मांग की है। इस बीच भूपेंद्र जायसवाल ने अपने ग्राम की समस्याएं गिनाई, तो वहीं नेकला पंचायत की समस्याएं छोटेलाल लोध द्वारा तहसीलदार के सामने गिनाई गई। इस बीच उपस्थित एडवोकेट चंद्रकांत जायसवाल के नेतृत्व में कई लोगों को सदस्यता भी दिलाई गई। आज आम आदमी पार्टी चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में व्याप्त समस्याओं को लेकर, जैसे कि पानी की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और किसानों की समस्याओं सहित एसडीएम साहब को नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें से अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। हमारे पंचायत में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, यानी व्यवस्था होते हुए भी व्यवस्थापकों की सही स्थिति न होने के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है। पुरानी पाइपलाइनें थी, उनको तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है। वर्तमान जो लाइनें चल रही हैं ठेकेदार के माध्यम से हैं। पीएचसी विभाग के कर्मचारी भी ठेकेदार के मार्फत में काम करते हैं, जबकि हैंडपम्प मकैनिक इनको क्षेत्र में काम करना चाहिए।